नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का दूसरा अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी भारत में ब्रिटेन से व्यापार करने आई और किस तरह से उसने यहाँ के राजाओं और नवाबों को हराकर यहाँ कंपनी का शासन स्थापित कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर ले आए वो भारत को, और कैसे उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किए, लोगों का शोषण किया और अपने स्वार्थ और मुनाफे के लिए उन्होंने किस तरह से यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। तो बच्चों, मुगल बादशाहों में जो अंतिम शक्तिशाली बादशाह था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु सन 1707 में हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो उनके बाद सारे इलाके कुछ सूबेदारों और बड़े जमींदारों के नियंत्रण में आ गए, जो काफ़ी समय तक उसको संभाल के नहीं रख पाए और कंपनी धीरे धीरे उन इलाकों के ऊपर काबिज हो गई। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे एक इजाज़तनामा, मतलब परमिशन ले ली थी भारत में, भारत वहाँ से पूर्व में पड़ता था, पूर्व दिशा में, तो पूर्व में व्यापार करने की उन्होंने परमिशन ले ली थी और वो व्यापार करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और आपके स्क्रीन के ऊपर ही एक उनका जो रूट का प्रोग्राम है वो दिया गया है। ये यहाँ से ये ब्रिटेन है, यूरोप के अन्य देश भी यहाँ से इन इलाकों में व्यापार करने के लिए आते थे। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके बिल्कुल दक्षिण में ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से पहले यहाँ तक आया करते थे, परंतु फिर बीच में वो यहाँ से निकल के यहाँ हिंद महासागर से होते हुए भारत पहुँच गए और अन्य जगहों पे भी उनके व्यापार के दरवाजे खुल गए। तो बच्चों, सबसे पहले जो भारत में यूरोप की तरफ से जो व्यक्ति आया था वो पुर्तगाल का एक खोजी यात्री था, वास्को डी गामा, जो 1498 में पहली बार भारत पहुंचा था। तो 1498, ये भी एक जीके का क्वेश्चन बन गया, वास्को डी गामा भारत कब आया था और वो कौन से देश से संबंधित था? वो यूरोप के पुर्तगाल से संबंधित था। और उसने पहली बार यूरोप के लोगों को बताया होगा कि ऐसे हिंद महासागर पार करके जाएं तो एक बड़ा ही समृद्ध, सुंदर, विविधताओं से भरा हुआ और बहुत ही सुंदर सा एक जगह है। तो इस तरह से व्यापार खुलने लगा और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे और फ्रांसीसी व्यापारी भी यहां पर आने लगे। अब एक समस्या उत्पन्न हो गई, जब यूरोप के अलग अलग देशों से व्यापारी यहां पर आने लगे तो वो वहां पर लगभग एक जैसी चीज़ों को ही खरीदना चाहते थे और भारत उस वक्त एक बड़ा ही समृद्ध देश था और समृद्धता का कारण था यहाँ की कारीगरी, जो बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग यूरोप के बाजारों में थी। और भारत में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी होती थी, उसकी भी मांग यूरोप में बहुत अधिक थी, मतलब मसालों और भारतीय कारीगरी की बहुत अधिक डिमांड यूरोप में थी। तो एक प्रतिस्पर्धा बनने लगी और इससे होने क्या लगा कि 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ों को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी करती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे जाने से रोकती थी। मतलब उनमें एक आपसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पैदा हो गया था कि हम पहले पहुंचेंगे, हम व्यापार करेंगे भारत में। अब हुआ क्या, ये 1600 ईस्वी और हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या था, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटेन की थी, उन्होंने क्या किया, यहां पर अपने कंपनी ने अपने कुछ किलेबंदी करना शुरू कर दी थी और मुनाफा कमाने की कोशिशों में उनकी स्थानीय शासकों के साथ टकराव भी होने लगे थे। जब वो तट पे आ जाते थे, जहाजों में अपना सामान ले आते थे, तो जब बाजारों में आते थे तो वहां पर एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी, विदेशी थे, बाहरी लोग थे, तो एक तनाव का माहौल पैदा होना। तो बच्चों, अंग्रेजों ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू कर दी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और उस जमाने में इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। अब जब ये वहां पे काम करते थे तो क्या करते थे, वहां पे वो उनका वेयर हाउस होता था, मतलब जहां पे वो सामान को खरीद के इकट्ठा कर लेते थे, वहां पे रखते थे। उन्होंने क्या किया, सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के आसपास किला बनाना शुरू कर दिया।
और उन्होंने कुछ जो उस वक्त मुगल अफसर थे उनसे कुछ गांव खरीद लिए थे, कुछ इलाके खरीद लिए थे, और उन्होंने एक गांव कालीकाता खरीद लिया था जो बाद में कलकत्ता और अब उसको कोलकाता कहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, और कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब जब भी हम बाहर से कोई लोग व्यापार करने हमारे देश में आते हैं, आज भी ऐसा है, तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी भी बाहर से आई थी तो यहाँ के जो शासक थे उनको उसने टैक्स देना था, तो उन्होंने इस काम बात पे राजी कर लिया कि हम कोई शुल्क नहीं चुकाएंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे और यहाँ पर व्यापार भी करेंगे। अब इससे हुआ क्या था कि जब कंपनी वाले टैक्स नहीं दे रहे थे तो जो शासक को टैक्स इकट्ठा होना था वो टैक्स इकट्ठा होना बंद हो गया। अब शासक के पास कमाई कहाँ से आएगी? शासक की जो नवाब थे, राजा थे, शासक थे, उनकी कमाई का साधन क्या होता है? टैक्सेस होते हैं। सरकार की कमाई का साधन क्या होता है? टैक्सेस होते हैं। तो वो टैक्स आना ही जब बंद हो जाएंगे तो उनके पास अपनी सेना के रखरखाव के लिए, अपना शासन चलाने के लिए, प्रशासकीय कार्य करने के लिए, निर्माण करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए धन कहाँ से आएगा? तो इस सारे माहौल में क्या होना था, एक विरोध उत्पन्न होना था, एक तनाव उत्पन्न होना था, और वो आगे चलकर हुआ भी। अब इसी दौरान जब 18वीं सदी आई तो कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच टकराव काफी बढ़ गए। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, जो शासन था वो छोटे छोटे जो अफसर थे उनके हाथ में आ गया था, जो सरदार थे, और मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिरोजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। औरंगजेब के बाद कोई ज़्यादा प्रभाव मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान नहीं रख पाए, परंतु उनके बाद सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बने तो वो एक शक्तिशाली नवाब थे। उन्होंने काफ़ी प्रभाव अपना जनता के ऊपर रखा और कंपनी को भी उन्होंने काफ़ी हद तक रोक कर रखा। कंपनी को व्यापार का अधिकार देने के बदले में लोग जो नवाब थे मौके के वो कंपनी से नजराने की मांग करने लगे, मतलब उसको आप रिश्वत कह लीजिए, उपहार मांगने लगे, और कंपनी पर धोखाधड़ी के उन्होंने आरोप भी लगाए। परंतु कंपनी के जो अफसर थे वो भी उस समय तक अब नवाबों की बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उल्टा उनका मजाक भी उड़ाते थे। और अब कंपनी को ये लगने लग गया था कि ये जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जो ये मांगे हैं वे बेतुकी हैं। बच्चों अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि हुआ क्या था कि जब उन्होंने अपना हुगली नदी के किनारे किलेबंदी भी स्टार्ट कर दी थी और वो स्वतंत्र व्यापार की मांग कर रहे थे, फ्री व्यापार की मांग कर रहे थे, जिससे जो स्थानीय राजा थे उनके राजस्व को घाटा पड़ रहा था, कंपनी दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही थी, और जो नवाब उनसे टैक्सेस के लिए कहता भी था उसको भी वो बड़ा गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था, उन्होंने कई इलाके खरीद लिए हुए थे, कई गांव खरीद लिए थे, कई इलाके खरीद लिए थे। तो आप देखिए बाहर से कुछ लोग आए यहाँ पे आके कुछ इलाके खरीद लिए और अब वो यहाँ के राजाओं और नवाबों को ही आंखें दिखाने लग गए थे, तो यहाँ से वो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। इतिहास की जानकारी के लिए इन कहानियों के साथ अब जुड़े रहिएगा, तब आपको बड़े रोचक तरीके से ये सारी जानकारी एक बिल्कुल पिक्चर की तरह आपकी आंखों के सामने साफ हो जाएगी। अब हुआ क्या, इसके बाद स्थिति हुई और बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं। ये आपको इसकी तारीख थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। 1756 में क्या हुआ था, अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था क्योंकि सिराजुद्दौला की जगह कंपनी वहां पे अपनी कठपुतली क्या होती है, जिसे हम अपने अनुसार चला सकें, तो अपने अनुसार चलने वाला एक नवाब चाहिए था, परंतु सिराजुद्दौला वैसा नहीं था। और कंपनी ने ये कोशिश की कि वहाँ सिराजुद्दौला नवाब ना बने, कोई और बन जाए जो उनकी कठपुतली हो। इस बात का जब सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला के मन में आया कि चलो मैं आपको देख लेता हूँ। उन्होंने कंपनी से कहा कि वो उनके राजनीतिक मामलों में दखल ना दे और उन्होंने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, वहाँ पर गोदाम तोड़े, अफसरों को गिरफ्तार किया और कलकत्ता में जो स्थित किला था उसके कब्जे के लिए भी उधर का रुख कर लिया। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
और सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने सिराजुद्दौला को प्लासी में हरा दिया, परंतु कारण ये रहा क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर वो कंपनी के साथ मिल गया था। उसको कंपनी ये लालच दिया था कि सिराजुद्दौला के हटते ही हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस तरह से मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला को हार का मुख देखना पड़ा और इस लड़ाई को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद ही बंगाल में कंपनी के संपूर्ण प्रभुत्व के साथ व्यापार करने के दरवाजे खुल गए थे, क्योंकि उसके रास्ते में एक ही दीवार थी, वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को वहां सत्ता दे दी गई। तो बच्चों, बाकी की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। आशा है इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। अगली वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा और कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।